दोस्तों सब्सक्राइब करें फुसी फ्री चैनल को और घंटी को दबाएं अच्छी वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले गलती होती है कि वह अपनी कार की चाबी को कार के भीतर ही छोड़ देते हैं और उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। वहीं लोगों के पास कार की दूसरी चाबी भी नहीं रहती है। ऐसे में कुछ ट्रिक्स आपकी इस परेशानी को दूर कर सकती हैं। वैसे तो विभिन्न तरह की कारों का लॉकिंग सिस्टम अलग, योजक चिन्ह अलग रहता है। सभी नए मॉडल्स को रिमोट कंट्रोल और पावर लॉक्स के साथ बेचा जाता है, लेकिन पुरानी कारें केवल मैनुअली खुलती हैं। इसके अलावा कुछ कारों में विंडो के पार दरवाजे के पर लॉकिंग नॉब होता है और कुछ कारों में हैंडल। कार का दरवाजा खोलने का तरीका नंबर एक। यह तरीका काफी ज्यादा आम है। इस तरीके का इस्तेमाल मारुति और ह्युंडई की पुरानी कारों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कार का दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे पर लगे रबड़ को स्केल से हटाएं। इसके बाद स्केल को उस रबड़ हटने से बनी जगह में डालें। दरवाजे में लगा नॉब अपने आप ऊपर आ जाएगा। तरीका नंबर दो। कार का दरवाजा कोट हैंगर के इस्तेमाल से किया खोला जा सकता है। आपको एक वायर हैंगर की जरूरत है जिसे मोड़ सके और हुक बना सके जो कि विंडो में रबर स्ट्रिप से अंदर जा सके। इसके बाद आपको उस हुक के जरिए लॉकिंग सिस्टम को खोलना होगा। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इससे आपका काम हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि आप मेटल की जगह प्लास्टिक क्लोथ हैंगर का इस्तेमाल करें, दरवाजे को नुकसान नहीं होगा। तरीका नंबर तीन। इन्फ्लेटेबल वेज या एयर पैक के इस्तेमाल से भी कार का दरवाजा खोला जा सकता है। इस टूल के जरिए आप एक एयर पैक को दरवाजे के ऊपरी हिस्से में रखकर हवा भरें, फिर एक एयर पैक को दरवाजे के साइड में लगाकर हवा भरें। इससे आपके दरवाजे में स्पेस बन जाएगी और आप इसी रॉड या हुक के जरिए चाबी या लॉक को खोल सकेंगे। यह टूल आसानी से मिल जाता है। तरीका नंबर चार। प्लास्टिक की स्ट्रिप से भी कार के दरवाजे को खोला जा सकता है। प्लास्टिक की स्ट्रिप को कार विंडो से डाल पर लॉक को खोला जा सकता है। तरीका नंबर पाँच। जूते के फीते या कहे शूज लेस से भी कार का दरवाजा खोला जा सकता है। यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे नॉब वाले लॉकिंग सिस्टम को खोला जा सकता है। जूते के फीते के बीच से गोल नोट बनाकर उसे डोर के अंदर डालकर लॉक को खोला जा सकता है।